तो इस मैट्रिसेस का ऑर्डर भी टू बाई थ्री होना चाहिए तभी ये मैट्रिक्स ऐड हो सकती है आगे है द सम ऑफ टू अ मैट्रिक्स obtained by एडिंग द करस्पॉन्डिंग elements ऑफ द गिवन मैट्रिसेस सम ऑफ मेट्रिक तभी होगा जब हम एक मैट्रिक्स का एक ऑर्डर जो है उसी को दूसरे के उसी के सेम ऑर्डर के साथ ऐड करेंगे जैसे टू प्लस वन इक्वल्स टू थ्री जीरो माइनस वन इक्वल्स टू माइनस वन टू प्लस थ्री इक्वल्स टू फाइव माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू वन प्लस एट नाइन एट प्लस माइनस फाइव थ्री नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर सिक्स एग्जांपल नंबर सिक्स में गिवन ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस वी नीड टू फाइंड ए प्लस बी अब हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है वो टू बाई थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स है और सेम वे जो बी मैट्रिक्स है वो भी टू बाय थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो जो सबसे पहला रूल होता है एडिशन का वो ये होता है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए तो ए एंड बी है सेम ऑर्डर देव एडिशन ऑफ ए एंड बी इज पॉसिबल अब ए और बी को हम ऐड कैसे करेंगे इस नंबर का फर्स्ट एलिमेंट इस नंबर के इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा सेकेंड वन सेकेंड थर्ड वन थर्ड सेम वे टू प्लस अंडर रूट थ्री वन प्लस अंडर रूट फाइव माइनस वन प्लस वन टू माइनस टू थ्री प्लस थ्री एंड जीरो प्लस वन बाय टू सेम वे हम इसको ऐड करेंगे और ये हमारे पास रिजल्ट मैट्रिक्स आएगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लीकेशन वेन अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाई स्केलर नंबर इट्स ऑल एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड दैट नंबर। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स ए दी है फाइव थ्री वन जीरो अगर हमारे पास स्केलर नंबर फाइव दिया है तो हमें अगर फाइव ए निकालना है तो हम इसके हर एक एलिमेंट को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव फाइव दाइव फाइव थ्री फाइव जीरो सेम वे ये होती है स्केला मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स एज डिनोटेड इज डिनोटेड बाई माइनस ए इट इज नोन एज एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स थी है और हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो इसके जो आंसर होगा उस सब में माइनस आ जाएगा तो उसे बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स नेक्स्ट ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स में सेम वे जैसे हम एडिशन में करते हैं इसमें भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमारे पास ये दिया है ए सेम बी दिस वन अगर हमें ए माइनस बी निकालना है तो सेम जिस जो एलिमेंट इधर है उस इधर वाले भी उसी एलिमेंट से हम माइनस करेंगे सेम वे में जैसे एडिशन में दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए वैसे ही इसमें भी सेम होना चाहिए जैसे ये दिया है ए माइनस बी सो वन माइनस टू सेवन माइनस जीरो एट माइनस वन टू प्लस फाइव हो जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस फाइव है तो ये प्लस फाइव हो जाएगा थ्री प्लस सिक्स फाइव माइनस सेवन नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर सेवन एग्जांपल नंबर सेवन में दिया है इफ ए इज इक्वल्स टू दिस एंड बी इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड टू ए माइनस बी ए मैट्रिक्स हमें ये दिया है और बी मैट्रिक्स हमें ये दिया है अब हमें टू ए माइनस बी निकालना है इसके लिए हम सबसे पहले टू ए करेंगे ये हो गया है हमारा स्केलर मल्टीप्लीकेशन स्केलर मल्टीप्लीकेशन में हम टू को इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे टू वन द टू 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 दर टू थ्री सिक्स टू टू फोर टू थ्री सिक्स टू वन द टू ये आ गया हमारे पास टू ए वाला पार्ट अब हम इस टू ए वाले पार्ट को बी से सब्ट्रेक्ट करेंगे बी हमारे पास गिवन था तो ये सिंपल जैसे हम एडिशन करते हैं वैसे सब्टेक्शन होती है टू माइनस थ्री माइनस वन फोर माइनस माइनस वन प्लस वन बन जाएगा फोर प्लस वन फाइव सिक्स माइनस थ्री थ्री फोर माइनस माइनस वन प्लस वन बन जाएगा फोर प्लस वन फाइव सिक्स माइनस जीरो सिक्स टू माइनस टू जीरो नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर एट एग्जाम्पल नंबर में हमें ए मैट्रिक्स दिया है और पी मैट्रिक्स दिया है और हमें इसमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है और इक्वेशन है टू ए प्लस थ्री एक्स इक्वल्स टू फाइव पी अभी इस मैट्रिक्स में सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे टू ए प्लस थ्री एक्स इक्वल्स टू फाइव अगर हम इसके दोनों साइड माइनस टू ए से माइनस करेंगे तो टू ए से टू ए कैंसिल हो जाएगा हमारे पास बच जाएगा थ्री एक्स इक्ल्स टू फाइव माइनस टू ए अब हम इसको थ्री से डिवाइड करेंगे थ्री एक्स अपॉन थ्री इक्वल्स टू फाइव पी माइनस टू ए अपॉन थ्री और एक्स की वैल्यू आ जाएगी फाइव पी माइनस टू ए अपॉन थ्री अब हम यहीं से x की वैल्यू निकाल लेंगे वन बाई थ्री बाहर ले लेंगे स्केलर ऑफ मल्टीप्लीकेशन करेंगे फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे b से और फिर माइनस कर देंगे टू को मल्टीप्लाई करके a से तो पहले हम इसके स्केलर ऑफ मल्टीप्लीकेशन करेंगे फाइव को b से मल्टीप्लाई करेंगे और टू को a से मल्टीप्लाई करेंगे वन बाई थ्री बाहर चलेगा ये हो गया फाइव टू टेन 5 टू द माइनस टेन फाइव फोर ट्वेंटी फाइव टू 10, फाइव ट्वेंटी फाइव ये माइनस का साइन आ जाएगा 5 वन 5. सेम भी 2 को इसे माइनस कर देंगे और जो भी हमारे पास इधर आएगा उसे हम माइनस करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे और ये हमारे पास रिजल्ट मैट्रिक्स आ जाएगा नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 9. एग्जाम्पल नाइन में हमें x और y की वैल्यू दी हुई है और हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एग्जाम्पल नाइन में हम इन्हीं दो इक्वेशंस का यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो जो ये y है वो कट हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी तो हम ऐसा करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई जो भी इनके रिजल्टेंट मैट्रिक्स है जो भी इनके गिवन मैट्रिक्स है उनको ऐड कर देंगे और इधर y से y कट जाएगा और एक्स प्लस एक्स टू एक्स आ जाएगा और इस साइड हम इनको ऐड कर देंगे फाइव प्लस थ्री एट टू प्लस सिक्स एट जीरो प्लस जीरो जीरो नाइन माइनस वन एट यहाँ से x हम निकाल लेंगे इसका हाफ करके और ये हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा सेम वे अब हम y की वैल्यू निकाल लेंगे इन दो मैट्रिक्स को माइनस करके अगर हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई वाई टू वाई बन जाएगा और x माइनस होके कट हो जाएगा सेम वे इनके जो गिवन मैट्रिक्स आंसर हैं, उनको भी हम माइनस करेंगे फाइव माइनस थ्री टू टू माइनस सिक्स माइनस फोर जीरो माइनस जीरो जीरो नाइन माइनस प्लस माइनस वन प्लस वन हो जाएगा हम नाइन प्लस वन टेन सेम वे वाई निकालने के लिए हम इनका हाफ कर देंगे और जो हमारे पास रिजल्ट आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा और लास्ट में एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी और वाई की वैल्यू ये आ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर टेन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास ये इक्वेशन दी है और इससे हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले हम इसमें स्केल मल्टीप्लीकेशन करेंगे टू को इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे टू इंटू एक्स टू एक्स टू इंटू फाइव टेन टू इंटू सेवन फोर्टीन टू वाई माइनस थ्री टू सिक्स और इस मैट्रिक्स के साथ ऐड कर देंगे टू एक्स प्लस थ्री टेन माइनस फोर फोर्टीन प्लस वन और और इसके साथ equate कर देंगे equate करने के बाद जैसे हमें पता है कि ये वाली matrix और ये वाली matrix, अगर ये दोनों हैं तो इनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी इक्वल होंगे तो हम इनको इक्वेट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू टू और y की वैल्यू नाइन आ जाएगी नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर इलेवन टू फार्मर्स ramkrishna and gurcharan singh cultivates only three varieties of rice namely Vasmati, Purnal and nora the name in rupees of these varieties of rice by both the farmers in the month of september and october are given by the following matrix a and b a matrix may जो रामकृष्ण है उसने बासमती की कल्टीवेशन इतनी की और उसकी सेल्स इतनी आई है सेम वे इसकी और इसकी ये रामकृष्ण की तीनों वेराइटीज ऑफ राइस की सेल्स है रूपीज में इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड ये गुरचरण सिंह की इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर सेम वे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ये रामकृष्ण की सेल्स है और ये गुरचरण की सेल्स है अब हमें इसमें बोला है फर्स्ट पार्ट है इसका फाइंड द कम्बाइंड सेल इन सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी अब अगर हमें इन दोनों की कम्बाइंड सेल निकालनी है तो हमें ए और बी को एड करना पड़ेगा ए है हमारे पास सेप्टेम्बर की सेल्स और बी है हमारे पास अक्टूबर की सेल्स ऑफ बोथ दीज फार्मर्स जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सेप्टेम्बर टू अक्टूबर नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है डिक्रीज इन सेल डिक्रीज इन सेल फाइंड आउट करने के लिए हम ए माइनस बी करेंगे ए जो है हमारे पास सितंबर की सेल है और बी जो है हमारे पास अक्टूबर की सेल है तो इनको माइनस कर देंगे और सेम वे हमारे पास रिजल्ट मैट्रिक्स आ जाएगा है हमारे पास थर्ड पार्ट इफ वोट फार्मर्स रिसीव टू परसेंट प्रॉफिट ऑन ग्रोस सेल्स कंप्यूट द प्रॉफिट ऑफ ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी ऑफ सोल्ड इन अक्टूबर क्योंकि फार्मर्स को टू परसेंट का प्रॉफिट हुआ है बी क्रॉप में मतलब अक्टूबर की सेल्स में तो हम टू परसेंट ऑफ बी निकालेंगे टू परसेंट ऑफ बी का मतलब होता है टू अपॉन हंड्रेड ऑफ बी विच मीन्स जीरो पॉइंट ज़ीरो टू इंटू बी अब हम इसमें स्केलर मल्टीप्लीकेशन करेंगे और जीरो पॉइंट जीरो टू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सेम वे ये हमारे पास रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा